बिग बॉस सीजन 13 से जुड़ी हम हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं, लेकिन उसके साथ ही हम आपके लिए जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है टॉप 5 खबरों का, ये हर रात 8 बजे आपको एपिसोड से पहले ही वो अनसुनी बातें बता देता है जो शो से रिलेट करती है। जो खबर आपको कहीं और नहीं मिलती है वो सिर्फ आपको यही मिलती है। तो आज फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज की टॉप 5 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं इन खबरों के बारे में। तो बिग बॉस सीजन 13 से जुड़ी जो पहली खबर सामने आ रही है वो ये है कि इस वीकेंड का वार पर जो सदस्य घर से बेघर हुआ है वो है शेफाली जरीवाला। जी हाँ, शेफाली जरीवाला की गेम की बात की जाए तो उन्होंने हर बार अपने पक्ष को साफ तौर पर सामने रखा है। उनका गेम काफी अच्छा रहा है और हर बार उन्हें उनके दर्शकों का सपोर्ट भी मिला है। लेकिन आपको बता दें कि इस हफ्ते सिडनाज को छोड़कर बाकी सभी सदस्य नॉमिनेटेड थे और यहाँ पर शेफाली जरीवाला को सबसे कम वोट मिले और वो हो गई है घर से बेघर। नंबर 2, बिग बॉस सीजन 11 की विनर रह चुकी शिल्पा शिंदे ने अपने टॉप 3 कंटेस्टेंट्स के बारे में बताया है। शिल्पा का मानना है कि आसिम और शहनाज गिल टॉप 2 में हो सकते हैं। अगर बात की जाए सिद्धार्थ शुक्ला की तो उन्हें चैनल ने हमेशा ही सपोर्ट किया है और इस बेसिस पर वो टॉप 3 में भी हो सकते हैं और जिस तरीके से उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है हो सकता है कि वो शो की ट्रॉफी भी ले जाएं। नंबर 3, सलमान खान इस बार विशाल आदित्य सिंह पर बेहद ही नाराज दिखेंगे उनके संचालन को लेकर, क्योंकि अभी हाल ही में जो मकड़ी वाला टास्क हुआ था उसमें विशाल का संचालन बहुत ही ज्यादा खराब रहा और इसकी वजह से बिग बॉस ने उन्हें अच्छा खासा डांट फटकार भी लगाई एंड इवन उनसे पूरे सीजन भर की सारी इम्यूनिटी टास्क में पार्टिसिपेट करने का हक भी छीन लिया। सलमान खान इसी बात पर विशाल आदित्य सिंह से बहुत ही ज्यादा नाराज दिखे और उन्होंने कहा कि तुम पहले तो खुद कंफ्यूज रहे और उसके बाद जब तुमने पहले तो कहा कि सॉरी फॉर दैट बिग बॉस और फिर बाद में तुम बोलो कि तुम्हारा प्लान वगैरह है ये सब चीजें, और सलमान खान इस दौरान उन पर काफी गुस्सा दिखते हैं और उन्हें खूब जमकर लताड़ लगाते हैं। नंबर 4, सलमान खान इस बार शहनाज गिल का मजाक उड़ाते हुए दिखेंगे। जी हाँ, सलमान खान शहनाज के फ्लिप को लेकर बात करते हुए नजर आएंगे कि कभी पारस कभी सिद्धार्थ और अब आसिम। वाव, वेरी गुड, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। इसके अलावा वो उनके क्रॉ टॉक पर भी बात करते हुए नजर आएंगे कि शहनाज अगर तुम्हें कोई दोस्त ना मिले फ्लिप करना हो तो तुम कोए के पास चली जाती हो, कोए से बात करती हुई नजर आते हो और कोआ भी तुमसे फुल इंटरेस्ट लेता है बात करने में। इसके अलावा वो सिडनाज के ब्रेकअप को लेकर भी बात करते हुए नजर आएंगे कि आखिर वजह क्या रही और किस तरीके से आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। इवन शहनाज, तुमने अब बेड भी चेंज कर लिया है, और तरीके से सलमान खान यहाँ पर इन बातों को लेकर शहनाज का मजाक बनाते हुए दिखे। नंबर 5, सलमान खान इस वीकेंड का वार पर बेहद ही गुस्से में नजर आए। जी हाँ, उन्होंने गुस्से में आकर सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज को इतना डांटा और कहा कि दरवाजे खोल दो, मेरा बस चले तो तुम्हें धक्के तो मैं तुम्हें निकाल कर बाहर फेंक दूँ, गेट आउट फ्रॉम दिस हाउस। तुम लोग इतना जहर उगलते हो कि क्या ही कहा जाए, तुम दोनों को सबसे ज्यादा जल्दी इस घर से बाहर जाने की, और बिग बॉस आप इन दो माचो मैन के लिए दरवाजा खोल ही दो और देखते हैं कि आखिर ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अलाउड है नहीं ना मारना पीटना, बाहर जाकर देखते हैं, खुद मारो पीटो अच्छे तरीके से और बस में हो ना हालत में हो तो अंदर आ जाना। सलमान खान काफी गुस्से में नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें, जहां पर आपको एपिसोड आने से पहले ये पता चल जाता है कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होगा। इसके अलावा आपको वो भी खबरें पता चलती हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलती है, फिर चाहे वो सीजन के कंटेस्टेंट से जुड़ी हो, चाहे वीकेंड का वार की लाइव अपडेट्स हो या फिर मेकर्स से जुड़ी कुछ और खबरें। आपको ये सारी खबरें इन टॉप 5 न्यूज़ में रात 8 बजे हर रोज देखने को मिलती है। तो इसी तरह से इन टॉप 5 खबरों के लिए, हाइलाइट्स के लिए और भी कई चटपटी मसालेदार खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।